की सबसे खतरनाक और खूंखार स्पीड से बढ़ने वाली बीमारी है ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट, लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी बोले तो एक्टिव लाइफस्टाइल इन एंड रूटीन एक्सरसाइज प्लस ईटिंग वेल इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी. बट करता कौन है इसको? टाइम किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है. मेरे पास में बहुत काम है, मेरे पास टारगेट भी है, मेरे बॉस ने मेरी लगा रखी है, और पढ़ना भी है और एग्जाम आ रहे हैं. सर भाड़ में गया हेल्थ, अपन एक्टिव नहीं हो सकते. कुछ कमा लेंगे पहले फिर एक्टिव हो लेंगे, कुछ बन जाएं फिर एक्टिव हो लेंगे. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ? वो क्या बोलते हैं उसको? घंटा. ऐसा नहीं होता, ठीक है? डोंट फूल योर सेल्फ, ओके? डोंट फूल योर सेल्फ, राइट? फिजिकल एक्टिविटी एक एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं है, एक जिम प्लान नहीं है कि 12,000 रुपए देना है, 10,000 रुपए देना है, और उसके बाद में कभी गए कभी नहीं गए पैसे दे के खुश के भाई मैंने पैसे दे दिया, मैं कुछ तो करूंगा, साल में 4 दिन जाऊंगा पर जाऊंगा. नो, फिजिकल एक्टिविटी द एक्सरसाइज प्रोग्राम विच शुड बी फन, विच शुड कीप यू मोटिवेटेड बाय इटसेल्फ, एंड इट फॉर दैट इट शुड हैव अ गोल. इट शुड हैव अ गोल. आपका गोल होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए, राइट? ऐसी थोड़ी एग्जाम्स होते हैं आपके कॉलेज में, स्कूल में, ऐसी थोड़ी ऑफिस में टारगेट दिया, टारगेट के बगैर काम ना होता. सो काम फिजिकल एक्टिविटी के लिए टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए. गोल माइट बी कि मेरे को कोई हेल्थ कंडीशन, डायबिटीज है उसको खत्म करना है, ब्लड प्रेशर खत्म करना है, हार्ट डिजीज बेटर करनी है, वट एवर इट इज. स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम करना है. बहुत स्ट्रेस हो गया, नींद नहीं आती है, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू सम फिजिकल एक्टिविटी. यस इट इज पॉसिबल. एंजाइटी है, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू सम, यस इट इज पॉसिबल. स्टैमिना बढ़ाना है, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, फिजिकल एक्टिविटी. छोटे कपड़े पहनने हैं, यस, फीमेल्स को उस ड्रेस में फिट होना है, इसकी शादी है, उसकी शादी है, उसकी पार्टी है, मलाना है, करना पड़ेगा. मेनू करना है कि नहीं? मुझे करना ही है, वो करना है तो करना पड़ेगा. फिजिकल प्रोग्राम, फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक मोटिवेशन, एक गोल के बगैर बहुत मुश्किल है, राइट? और फिजिकल एक्टिविटी को, फिजिकल प्रोग्राम को अगर आप एक और चीज से जोड़ दोगे ना तो बेस्ट काम करेगी, दैट इज सोशलाइज विद पीपल. जी हाँ, जितना आप आउट बाहर जाके एक्टिविटी करोगे, चाहे जिम में, जिम क्यों काम करती है? क्योंकि जिम में जाके लोगों से मिलते हो, जिम में जाके जो लोगों से मिलते हैं, मिलजुल के काम करते हैं ना, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. पार्क में घूमते हुए जो लोगों को देख, अच्छा वो आया आज मैं भी जाऊंगा यार, जाना पड़ेगा, राइट? एक के साथ एक. जी हाँ, लोग बोलते हैं भेड़ चाल, लेकिन वो काम करती है. क्या काम करती है? मोटिवेट करती है एक दूसरे को देख के. इट्स नॉट भेड़ चाल. ऑब्वियसली दिमाग तो खुद लगाना, गोल तो खुद को रखना पड़ेगा, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द अदर. बट यस, यू नीड समबडी ऑल्सो, दैट इट वर्क्स बेटर. ऐसा नहीं कि अकेले नहीं कर सकते, कर सकते हो. अ फ्रेंड, अ सोशल पर्सन इज अ गुड एडिशन. डू दैट. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड. कई लोगों को मुश्किलें होंगी अपने लिए एक एक्सरसाइज रूटीन बनाना. कैसे चालू करें, कैसे करें? फर्स्ट गोल इज फिजिकल एक्टिविटी. द डे यू गो इनसाइड द जिम, द फर्स्ट डे इन योर जिम, पहला गोल इज फिजिकल. फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, फिट होना है. एक काम करता हूं, इससे पूछ लेता हूं, ये कौन है? अच्छी बॉडी है इसकी, इसको पता होगा, नहीं तो ट्रेनर तो है ही मेरा. ट्रेनर कह रहा है ये डब्बा खाना, ये गोली खानी, ये नहीं खा. अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है? सो यू नीड टू हैव अ प्लान, ठीक है? और प्लान का एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए जिससे पता चले. ऑलराइट, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल मतलब यू शुड हैव सम बेटर कंट्रोल ओवर योर वेट एंड एपिटाइट. मेरे को भूख नहीं लगती है, फिजिकल एक्टिविटी किया मेरे को भूख लगनी शुरू होगी, ओके गुड, मोटिवेशन ऑन. अगर चलो फिटनेस लेवल्स, अभी मैं चढ़ नहीं पा रहा था सीढ़ियां में, मैं तो एक हफ्ता एक्सरसाइज किया, ओके नाउ आई एम एबल टू वॉक, ऑल राइट गुड. नींद नहीं आ रही थी, अब नींद आने लगी है, ओके गुड. कॉन्फिडेंस कम था, कॉन्फिडेंस आ रहा, ओके गुड, राइट. हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कम होने, ओके गुड. सो यू नीड टू हैव सम रेगुलर मार्कर फॉर योर सेल्फ कि मैं जा रहा हूं पॉजिटिव, राइट? नॉट द मार्कर इन द मिरर, ओके कुछ बना क्या, कुछ बना क्या, दैट इज डिफरेंट, राइट? फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट, बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट,
और बॉडी बिल्ड फिजिकल एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ इट. छोटा बच्चा पहला स्टेप, फर्स्ट बेबी स्टेप, सो गेट स्टार्टेड. यो ऐसा नहीं है कि उसके लिए जिम जाना ही जरूरी है, बट इफ यू आर गोइंग टू द जिम यू कैन यूज इट, राइट. सो यू डोंट नीड टू एक्सरसाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. यू कैन इवन स्टार्ट विद अ 10 मिनट वॉक डेली, भी नहीं हफ्ते में दो बार, तीन बार, चार बार, कुछ तो शुरू करो. स्टार्ट स्लो टू प्रिवेंट इंजरीज, वरना क्या होगा, दर्द हो रहा भाई नहीं कर सकता, पैर बहुत दुख रहे हैं, आज 10 किलोमीटर भाग गया, कल कितने भागे थे, बहुत दिन हो गए भागा नहीं था, एकदम 10 किलो. आर यू किडिंग योर सेल्फ? डोंट स्ट्रेस योर बॉडी इंस्टेंटेनियसली, एकदम से स्लोली स्टार्ट करना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू एक्सरसाइज दैट यू कैन मेंटेन एंड एंजॉय. कौन सी एक्सरसाइज जो आप मेंटेन कर सको, एंजॉय कर सको, डजंट मैटर वो कौन सी. सर सबसे बेस्ट वेट लॉस एक्सरसाइज कौन सी है? इट्स नॉट द वन विच यू डू फॉर वन डे, इट्स द वन विच यू कैन डू फॉर 1000 days, 1000 days, राइट. ऐसा नहीं कि एक दिन में 1000 स्किपिंग कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, रेगुलर करोगे तो कुछ होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट. और अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस, या सिर्फ मोटे बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मोटे हो, तो भी दौड़ोगे तो भंग भंग घुटने पे ऐसी तैसी करोगे. लिटरली अ पर्सन हु इज ओबेस, हु इज ओवरवेट, इज कैरिंग दैट एक्स्ट्रा वेट ऑन हिज हेड, ऑन हिज, ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर नीज. 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके अगर घुटने की ऐसी तैसी करोगे, चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे, तो घुटने तो जल्दी खराब होंगे होंगे. फिर मुझे मत कहना कि मैंने नहीं बोला. सो नो, एवरीबॉडीज इनिशियल प्लान ऑफ एक्सरसाइज शुड बी, फर्स्ट प्लान शुड बी फिजिकल एक्टिविटी. फर्स्ट प्लान शुड बी अंडरस्टैंडिंग योर गोल, नॉट जिम जाके बस एक्सरसाइज करनी है, लेट्स डू द ट्रेडमिल, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं, अंडरस्टैंड स्लोली. सो इफ यू हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव लेटली, देन गो टू अ डॉक्टर. इफ यू आर वेस्ट, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, तो डॉक्टर की सलाह से, चेस्ट पेन होता है, सांस फूलता है, तो डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज शुरू करो कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं करना है, कब रुकना है, कौन से साइन है डेंजर वाले. अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड देन गो टू द जिम, राइट. ऑब्वियसली सबके लिए, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, डजंट मैटर. एंड बिल्ड अ फिजिकल एक्टिविटी इन योर रूटीन. फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन रेगुलर लाइफ में घुसाओगे उतना बेहतर रहेगा. काम में घुसाओ, घर में घुसाओ, बेडरूम में घुसाओ, डजंट मैटर. कैसे घुसाओगे? एट वर्क, सिंपल सी चीज है, सीढ़ी ले लो, एक फ्लोर, दो फ्लोर, जितना चढ़ सकते हो चढ़ो, उतरो मत. उतरते समय ज्यादा इंजरी होती है क्योंकि फिसल सकते हो, अजीब सा वो जर्की मूवमेंट्स आते हैं. सो उतरना इज नॉट सो गुड, चढ़ना इज बेटर, राइट. और कुछ काम कर रहे हो, इफ यू आर, व्हेन यू आर रनिंग एरेंड्स और समथिंग लाइक दैट, देन आल्सो ट्राई टू वॉक, राइट. गार्डन दिख गया तो ग्राउंड मार के आ जाओ. हाँ, घर में अपने खुद के काम, कार वॉश करनी है, वॉट एवर इट इज, कचरा फेंक के आना है, छोटी छोटी चीजें खुद करने की कोशिश करो, टेक द एफर्ट, राइट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने की कोशिश करो. जी हाँ, खड़े रहने में थोड़ा सा ताकत लगती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होती है. मेट्रो में, बस में, आई डोंट केयर, इफ यू आर एबल टू डू इट, डू इट. एंड रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, वट एवर ट्यूब, सब कम करो. सेडेंटरी बिहेवियर्स सिटिंग से बढ़ते हैं. सिटिंग इज अ डिजीज, बैठना इज अ बीमारी, राइट. सो फिट होने से पहले, इधर फिट होना पड़ेगा, राइट. सो पतले होना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, वट एवर इज योर गोल, राइट, यू नीड टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम. काम के लिए देखो, एंजॉयमेंट के लिए कम, राइट, रिमेंबर. और सैड सॉन्ग तो सुनना ही नहीं है भैया, पाप है वो, वट एवर इट इज. और न्यूज तो देखना ही नहीं है, राइट, न्यूज नहीं देखने का, उससे कुछ ना मिल रहा किसी को, अनलेस एंड अंटिल यू आर मेकिंग इट और यू आर यूजिंग इट फॉर योर वट एवर लाइवलीहुड, है कि नहीं. सो डू दैट. सो अपना टीवी टाइम कम करो, अपना खाना खाते समय टीवी मत देखो, राइट. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं,
जो आप कर सकते हो, एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आपको कितनी एक्सरसाइज चाहिए, आई ऑलरेडी सेड, आप मिनिमम से शुरू करो और स्लोली इंक्रीज करो। हर रोज एक एडल्ट अगर मतलब एक वीक में भी हम पकड़ के चले, हमने ऑलरेडी आपको बताया 150 से 300 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर ले, या 75 to 150 मिनट्स पर वीक विगरस एक्सरसाइज करे, दैट इज वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी। ये रिकमेंडेशन है, मतलब 2.5 घंटा पर वीक, हर हफ्ते सिर्फ 2.5 घंटा मॉडरेट एक्टिविटी और 1.5 घंटा या फिर 1.5 घंटा विगरस यानी इंटेंस एक्टिव। कैसे सर, मेरे को कैसे पता चलेगा मैं मॉडरेट में हूँ कि इंटेंस में? बहुत सिंपल है, जिस भी फिजिकल एक्टिविटी में आप बात कर पा रहे हो वो मॉडरेट नहीं है, वो माइल्ड एक्टिविटी है। लाइक मैं अभी खड़ा हूं, सो इट इज माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी। जब मैं कोई चीज कर रहा हूंगा, जब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, जब मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, सॉरी, अगर मैं गाना गा पा रहा हूं ना, तो ये माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी है, और अगर मैं गाना नहीं गा पाऊंगा तो ये मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि मैं मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त गाना नहीं गा सकता, राइट? गाना नहीं गा सकता। और अगर मैं विगरस फिजिकल, जोर जोर से जंपिंग, जोर जोर से कुछ कर रहा हूं, तो मैं बोल भी नहीं सकता। सो अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूं ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी, इट इज इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, राइट? और गाना गा पा रहा हूं तो इट इज माइल्ड, राइट? सो रिमेंबर दैट टू बी फिट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज योर गोल एंड स्लोली इंक्रीज योर बॉडी। मैं क्या कहूँ, क्या एडवाइस दूंगा, स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, वॉट एवर यू कैन डू ऑन अ डेली और रेगुलर बेसिस, एंड एक हफ्ता, 2 हफ्ते में जब वो चीज आपको ईजी लगे, ये ईजी है, इंक्रीज इट अ लिटल बिट, थोड़ू सा बढ़ाओ, राइट? नेचुरल फिटनेस में फर्स्ट स्टेप ये है, एक्सरसाइज प्लान नहीं चाहिए आपको, एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कि मेरे को ये प्लान नहीं, रेगुलैरिटी चाहिए। यू डोंट नीड अ मेजर डाइट प्लान, यू डोंट नीड अ मेजर थिंग, यू नीड फर्स्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तो लो, नेक्स्ट विल कम लेटर, आफ्टर मे बी अ मंथ, 2 हफ्ते बाद, 1 महीना, फर्स्ट मंथ इज दिस, डू दैट एंड देन कम बैक फॉर द सेकेंड।